الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पिछले जुमे के खुतबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत सिफत हलीम के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके गोशे गुजार की गई थी। ये बात बतलाई गई थी कि अल्लाह हलीम है, अल्लाह हिल्म वाला है और उसको ये बात बहुत पसंद है कि उसके बंदे के अंदर भी ये सिफत आए, बंदे भी तहम्मुल व बर्दाश्त करने की सिफत अपने अंदर पैदा करें। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए यह सिफत हर शख्स के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। अगर इस सिफत हिल्म से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, सब्र के मादे से अगर हमारी ज़िंदगी खाली हो गई, ये सिफत हिल्म हमारे अंदर से ख़त्म हो गई, तो इसकी बहुत ही भारी कीमत इंसान को ज़िंदगी में चुकानी पड़ती है। बहुत सारे मनफी असरात इंसान की ज़िंदगी में गालिब आ जाते हैं। उन्हीं में से एक सिफत है जो मनफी असरात है, उन्हीं में से एक सिफत है मग़लूबुल ग़ज़ब। इंसान मग़लूबुल ग़ज़ब हो जाता है। अब ये मग़लूबुल ग़ज़ब क्या चीज़ है? गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, गुस्से में बेकाबू हो जाना, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान इसको कमाल समझता है, बहादुरी समझता है कि गुस्सा आया किसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्सा आया किसी को गाली दे दी, गुस्सा आया किसी को घूंसा मार दिया, गुस्सा आया किसी की इज्जत को पामाल कर दिया, गुस्सा आया किसी पे बोहतान लगा दिया, और उसको इंसान समझता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत अजीम इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ कि मैंने अपने गुस्से से सामने वाले को डरा रखा है। मेरे गुस्से से मेरे बच्चे डरते हैं, मेरे गुस्से से मेरी बेगम डरती है, मेरे गुस्से से मेरे घर वाले डरते हैं। इसको इंसान बहुत अजीम बहादुर समझता है। शरीयत कहती है माशरे का सबसे बड़ा बुजदिल इंसान तू है,
समाज का सबसे बड़ा बुजदिल इंसान तू है, जिसे अपने नफ्स से लड़कर जीतना नहीं आया, जिसे अपने गुस्से पर काबू पाना नहीं आया। ये कोई बहादुरी की बात नहीं, ये सबसे बड़ी बुजदिली की बात है। गुस्सा इसकी तबाहकारी इतनी है, इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, इंसान की जिंदगी को खराब कर देती है, इंसान कहीं का नहीं रह जाता। हालांकि कितनी बड़ी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कज़म गैज़न वहुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाहु अला रुऊसिल खलाइक यौमल क़ियामा हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐन माशा। अल्लाहु अकबर, क्या बशारत है। मन कज़म गैज़न, जिसको गुस्सा आया, वहुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु, और वो शख्स अपने गुस्से को इजहार करने पर उसकी ताकत भी रखता है। किसी ने मारा, बदले में मार सकता है, किसी ने ज़्यादती की, बदले में ज़्यादती कर सकता है, ताकत है इसके पास, लेकिन फिर भी मन कज़म गैज़न काबू करता है गुस्से को, कंट्रोल करता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, बेकाबू नहीं होता, जज्बात की लौ में बहता नहीं, बर्दाश्त करता है। क्या है कहा अल्लाह के नबी ने, दआउल्लाहु अला रुऊसिल खलाइक यौमल क़ियाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूकात के सामने इस बंदे को क़यामत के दिन बुलाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान होंगे और इस बंदे को बुलाया जाएगा। अगर दुनियावी एतबार से हमें किसी स्टेज पर बुलाया जाए कितनी खुशी होती है। अगर हमारे बच्चे को कोई अवार्ड दिया जाए उसकी फ़ोटो रख लेता है हर इंसान, सेव करके घर में फ्रेम बना के रख लेता है, फ़ख्र से कहता है ये मेरा बेटा है इसको ये अवार्ड मिला है, ये मेरा फला रिश्तेदार है इसको ये अवार्ड मिला, फ़ख्र करता है। हश्र की अदालत होगी, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ स्टेज होगा, और ये एक अदना एक मामूली सा बंदा, कौन, मन कज़म गैज़न, जिसने गुस्से पे काबू किया होगा, अल्लाह बुलाएगा सबके सामने, इनाम क्या देगा, हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐन माशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे इधर आ, देख ये लाइन से मेरी बनाई हुई, मेरी पैदा की हुई हूरे हैं, हूर जो अपने दुपट्टे की झलक भी दुनिया में दिखा दे सारी दुनिया रोशन हो जाए। कहा ये मेरी पैदा की हुई हूरे हैं, माशा तेरे लिए है, जो चाहिए जितनी चाहिए ले जा सकते हैं। कितनी अजीम बशारत है, कितना बड़ा एजाज है, लेकिन ये किसको मिलेगा जो अपने गुस्से को इजहार करके बहादुर कहलाते हैं। गुस्सा आया, बीवी को खरी खोटी सुना दी और कहा कि मैं तो बहुत बहादुर इंसान हूं। गुस्सा आया, बेटे को भी नहीं बख्शा, मैं तो बहुत अजीम इंसान हूं। नहीं मेरे भाइयों, सिफत हिल्म अगर आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र का मादा नहीं है आपके अंदर से, हमारे अंदर से सिफत खत्म हो गई, आप मगलूबुल गजब हो जाएंगे, और अल्लाह की नज़र में ऐसा इंसान कोई महबूब नहीं है, अल्लाह की नज़र में यह इंसान प्यारा नहीं है, अल्लाह की नज़र में यह इंसान मबगूज है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुजदिल इंसान है ये जो मगलूबुल गजब हो जाए। एक सिफत तो ये हुई, दूसरी सिफत हिल्म और बर्दाश्त न होने की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में मनफी असरात होते हैं उसकी दूसरी सिफत क्या है, इंतकामी मिजाज, बदले का मिजाज। सामने वाले ने एक गाली दी, जब तक मैं 10 गाली ना दूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। किसी ने एक थप्पड़ मारा, जब तक मैं उसको रख के 50 थप्पड़ ना मारूँ मेरे दिल को राहत नहीं मिलेगी। किसी ने अगर मुझे कोई बुरा कहा, जब तक उसके सारे 7 खानदान तक सारी पुश्तों को ना मैं शामिल कर लूं
मेरे दिल की भरास नहीं निकली। यह इंतकामी मिजाज। शरीयत कहती है फाफू, माफ करो, माफ करो, माफ करो, दरगुजर करो। हाँ ठीक है, इंतकाम ले सकते हो, बदला ले सकते हो, मगर उतना ही जितना के सामने वाले ने ज्यादती की है। अगर उसकी ज्यादती से ज्यादा तुम्हारी ज्यादती हो गई फिर तुम जालिम हो जाओ। इसलिए शरीयत ने कहा फाफू, माफ करो, दरगुजर करो अल्लाह की नजर। वलमन सबरा व गफरा इन ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। जो इंसान सब्र से काम लेता है, सामने वाले की गलती को दरगुजर करता है, माफ फरमाता है, इन ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, ये तो बड़ी अजीमत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे अंदर जो बदले का होता है ना मिजाज, उसी ताल्लुक से यह हदीस। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल इन्ना ली कराबतन, मेरे कुछ अपने हैं, अपने मेरे कुछ अपने रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्तेदार हैं, इन्ना ली कराबतन असिलहुम वयक्तउनी, ताल्लुक जोड़ता हूं वो ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं, मैं करीब आता हूं वो दूर भागते हैं, मैं बुलाता हूं वो नहीं आते हैं, वह उहसिनु इलैहिम व युसीउना इलैया, अच्छा सुलूक करता हूं वो मुझसे बुरा सुलूक करते हैं, मैं उनसे मिलकर रहना चाहता हूं वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फकअन्नमा तुसिफुहुमुल मल्ला वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीर मादुम ताला ज़ालिक। गौर से सुनने की बात है, कहा अगर तेरा अखलाक ऐसा ही है जैसा कि तूने मेरे सामने कहा, वो दूर भागता है तू करीब आता है, वो रिश्तेदारी को तोड़ता है तू रिश्तेदारी को मिलाता है जोड़ता है, वो गाली देता है तू दुआ देता है, वो बुरा कहता है तू अच्छा कहता है, अगर तेरा अखलाक ऐसा ही है, फकअन्नमा तुसिफुहुमुल मल्ला, तो तू सामने वाले रिश्तेदार के मुंह में गरम राख डाल रहा है। क्या डाल रहा है? गरम राख, जो चूल्हे से लकड़ी जला के जो निकलते हैं ना कोयला, जो पतली जो बारीक बारीक राख बच जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया गरम है और वो गरम राख तू अपने अखलाक की वजह से सामने वाले रिश्तेदार के मुंह में डाल रहा है। और यही नहीं, वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीर, और जब तक तेरा अखलाक ऐसा ही रहेगा बराबर हमेशा हर वक्त 24 घंटा अल्लाह का एक खास फरिश्ता तेरे साथ होगा जो उसके मुकाबले में हर वक्त तेरी मदद करता है। ये किसके लिए है? जो अपने अंदर इंतकामी जज्बा नहीं रखते। आज हमारे तसव्वुरात बदल गए, आज हमारी सोच बदल गई, आज हमारी फिक्र बदल गई। नतीजे में क्या हुआ? हम जहालत करते हैं, जहालत और जहालत पर फख्र करता। आज का हमारा नौजवान मुआशरे में, समाज में, चलते सड़क पे सबके सामने ऊंची आवाज में गाली बकता है और उसको फख्र समझता है, गाली गलौज करता है, गंदे नाजेबा अल्फाज निकालता है, बड़ों का अदब नहीं करता, वालिदैन का अदब नहीं करता, जो मुंह में आया बदतमीजी कर दी, बेअदबी कर दी और सीना चौड़ा करके इस पर फख्र करता है, गुस्से का इजहार कर रहा है और इस पर फख्र कर रहा है, सामने वाले पे जुल्म कर रहा है और इस पर फख्र कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, ये कमाल की बात नहीं, ये मुआशरे का कचड़ा है, ये मुआशरे का गंध है, ये लोग मुआशरे में बदबू फैला रखे हैं अपने अखलाक से, ये लोग जो समाज में रहकर मुआशरे में रहकर जहालत करते हैं और जहालत पर फख्र करते हैं और हिल्म जैसी अफ़ो दरगुजर जैसी सिफत को अपने से दूर रखते हैं। ये नतीजा होता है एक, अगर हमारी जिंदगी से सिफत हिल्म खत्म हो जाए। बारहा हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं सीरत के वाकयात, लेकिन कभी हमें तौफीक नहीं हुई कि रुक कर जरा गौर करें, समझे, अपने अखलाक का, अपने किरदार का मवाजना करे, हम कहाँ खड़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वाह हमें क्या कह रहा है, क्या बतला रहा है।
मस्जिद नबवी है, बुखारी शरीफ की रवायत, मस्जिद नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबा का जम्मे गफीर है, एक बद्दू आता है मस्जिद नबवी में, एक देहाती आता है मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में आकर क्या करता है वो, पेशाब करता है। अल्लाह, मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मुबारक शहर, मुबारक मस्जिद, मस्जिद में आकर अल्लाह के नबी के सामने पेशाब कर रहा, कितनी बड़ी गलती है, गलती कर रहा, कितनी बड़ी गलती कर रहा। अल्लाह के नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, सहाबा को गुस्सा आया, लप के पकड़ू उसको, मारू। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन के अखलाक पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या कहा, मह मह छोड़ भाई, छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब वो पेशाब कर रहा है, अब उठाओगे, पेशाब करते हुए भागेगा, सारी मस्जिद गंदी होगी। अब उसने गंदगी की है कर लेने को, और उल्टा सहाबा से अल्लाह के नबी ने कहा जाओ पानी लेकर के आओ, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बहाया, गंदगी को दूर कर दी। जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक से मुतासिर होकर उसने क्या कहा, उसने कहा ऐ अल्लाह, दुआ की, यानी मुसलमान था वो, उसने दुआ की ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा और इनमें से किसी पे रहम ना फरमा। ये जितने सहाबा हैं सबके बारे में कह रहे हैं अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, नबी पे अपने रहम फरमा और इनमें से किसी पे रहम नहीं फरमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया, आप हंसने लगे, कहा मेरे भाई अल्लाह की रहमत जो इतनी कुशादा है, अल्लाह की रहमत जो इतनी वसी है, उसको तूने तंग कर दिया, ऐसा खला। गौर करो मेरे भाइयों, अगर चाहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मस्जिद में पेशाब कर रहा है, सिर्फ एक हुक्म देते ना अल्लाह के नबी, टुकड़े टुकड़े हो जाते, इतने लगते कि मालूम भी नहीं होता कहाँ कहाँ चोट लगी है। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हम भी सामने वाले की गलती पर उसको टोकते हैं, लेकिन हमारा अंदाज क्या होता है, हमारा अंदाज क्या होता है। याद रखिए, अगर कोई सामने वाला गलती कर रहा है, दुश्मन बनकर हम उसको समझाएंगे, कभी नहीं समझेंगे। दुश्मन बनकर आप उसको समझाइए, नहीं समझेगा। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े ऐसे लोग आए, गुनाह करने वाले, जालिम, जुल्म करने वाले, क्या क्या करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अपने अखलाक का ऐसा मुजाहिरा किया जो जान लेने के लिए आया था, जान देने पर कुर्बान। ये सिफत हमें अपने अंदर भी पैदा करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिफत बहुत पसंद। हम सुनते हैं, सुनकर रह जाते हैं, सुनते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि जरा उस पर अमल भी करना शुरू करें। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू उमामा अंसारी रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, एक अंसारी नौजवान, हट्टा कट्ठा, मोटा ताज़ा अंसारी नौजवान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर कहता है ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह, जिना हराम है, अल्लाह ने अपने नबी के ज़बानी इसको हराम करार दिया, और इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिस समाज में जिना और सूदी कारोबार आम हो जाए उस समाज पर अल्लाह का आज़ाब हलाल हो जाता है। जिसमें जिना आम हो जाए उस समाज पे अल्लाह का आज़ाब हलाल हो जाता है, कोई उज्र नहीं रहता उस समाज पर अल्लाह का आज़ाब क्यों आया। नौजवान आता है अल्लाह के नबी के पास आकर बैठता है, अल्लाह के नबी
जिना करने की रुख्सत दीजिए। सहाबा का सुनना था जिना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुख्सत मांग रहा है जिना करने का, हराम काम करने का। दौड़े का चुप, बदतमीज कहीं का, डर नहीं है तुझे, अल्लाह के नबी के सामने ऐसा कह रहा है। अल्लाह के नबी ने जो आया था जिना करने के बारे में पूछने के लिए, उसको नहीं डांटा। किसको डांटा? सहाबा को। जो आया था गुनाह का काम करने के लिए, पूछने के लिए कर सकता हूं, अल्लाह के नबी ने उसको नहीं डांटा। डांटा किसको? सहाबा को। और ये जो बुराई करने के लिए आया था, उसको अपने से करीब बुला लिया, इधर फकर्रिबू, करीब बुला लिया, सामने बैठा लिया। कितने प्यार से समझाया अल्लाह के नबी ने, कहा इधर आओ, पास में बैठाया। आपके पास माँ है? कहा जी है मेरे पास माँ। अच्छा ये बताइए, अगर कोई आपकी माँ के साथ जिना करे, अच्छा लगेगा आपको? वल्लाह ला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मेरी माँ के साथ जिना करे, मुझे अच्छा लगेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे भाई फिर कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ जिना किया जाए। कहा अच्छा ये बताओ, बहन है? जी है बहन। आप चाहोगे बहन से कोई जिना करे? कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बहन की इज्जत को कोई पामाल करे, हो नहीं सकता, होने नहीं दूंगा। कहा जिससे जिना करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी ना। अच्छा ये बताओ, बेटी है? जी बेटी है। अगर कोई तुम्हारी बेटी की इज्जत को पामाल करे, अच्छा लगेगा? तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूटे? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला वल्लाह कभी नहीं, अल्लाह की कसम, मेरा रब मुझे आप पर कुर्बान करे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने खाला का हवाला दिया, अल्लाह के नबी ने फूफी का हवाला दिया और उसको समझाया। उसके सीने पर अल्लाह के नबी ने हाथ रखा, हाथ रखकर अल्लाह के नबी ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक साफ कर दे और इसकी शर्मगाहों की हिफाजत इसको महफूज रख। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद इतना नेक बन गया, इतना नेक बन गया, किसी अजनबी औरत को देखने की बात तो दूर नजर भी नहीं उठाता। देख रहे है हमारे अंदर, बस जरा सी गलती नजर आ जाए सामने वाले की, जरा सी कमी नजर आ जाए सामने वाले में, आसमान सर पे उठा लेता है इंसान। दुश्मन बन के समझाओगे कभी नहीं समझेगा, दुश्मन बन के संभालोगे कभी नहीं समझेगा। अल्लाह के नबी से जिना करने कहा, जिना करने गए थे, अल्लाह के नबी ने ऐसे समझाया, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, यही आज अगर समझ में आ जाए नौजवान को, यही बात अगर आज समझ में आ जाए नौजवानों को, इंशाअल्लाह जिना का दरवाजा जरूर बंद हो जाएगा। मैं गलत नजर से किसी की बहन को देख रहा हूं, मेरे घर में भी मेरी बहन बैठी है। मैं गलत निगाह किसी की माँ पे डाल रहा हूं, मेरी माँ भी मेरे घर में बैठी है। मैं किसी की बहन की इज्जत को पामाल करूंगा, मेरी बहन भी मेरे घर में बैठी है। मैं किसी की खाला की इज्जत के साथ खेलूंगा, मेरे पास भी खाला है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत बड़ी बात कह दी इसके ताल्लुक से। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी बात कह दी इस जिना के ताल्लुक से। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, अगर ये कर्ज तुम लोगे अदा करना पड़ेगा। जिना कर्ज है, इस कर्ज में तुम मुलव्वस हुए, तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी बेटी है, तुम्हारे पास भी बहन है, तुम्हारे पास भी अम्मी है। ये बदला किसी की भी इज्जत को पामाल करके तुमसे लिया जा सकता है। कमा तू दीनो तू दान, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह के यहां सिर्फ इंसाफ तौला जाता है, उसके तराजू में ना इंसाफी नहीं होती। किसी की इज्जत को पामाल करोगे तुम्हारी इज्जत को वो पामाल करेगा, किसी पे कीचड़ उछालोगे तुम्हारे ऊपर कीचड़ वो उछालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, अपने अंदर यह सिफत पैदा करनी चाहिए कि हमारे अंदर हिल्म हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, हम मगलूबुल गजब ना हो, बदले का मिजाज हमारे अंदर ना हो। आई जरूरत है ऐसी सोच पैदा करने की, जरूरत है अच्छे अखलाक पैदा करने की, जरूरत है शराफत पैदा करने की। अगर वाकई हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अखलाक के इतने आला मकाम पर फाइज किया है कि इस कायनात में हमने किसी को इतना ऊंचा अखलाक नहीं अता फरमाया। अगर मेरे भाइयों, अगर वाकई हम अपने नबी की उम्मत हैं, अच्छा अखलाक पैदा करो, अखलाक पे फख्र करो, इंसानियत पैदा करो उस पर फख्र करो, शराफत पैदा करो उस पर फख्र करो, ईमान पैदा करो, मोमिन बनने पर फख्र करो, यह है फख्र की बात। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में हर शख्स जहालत कर रहा है, जहालत पे फख्र कर रहा है, गाली दे रहे हैं, गाली देने पे फख्र कर रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है, गुस्से में जो कुछ आया कह रहा है, और इस जहालत को वो उस पर फख्र कर रहा है। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीयत कहती है ये फख्र करने की बात नहीं, ये डूब मरने की बात है, ये बहादुरी की बात नहीं, ये बुज़दिलाना सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक समझता फरमाए, जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, हमें अच्छे अखलाक का हामिल बना दे, हमारे अंदर सही माने में ईमान पैदा फरमा दे। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पे हो।